हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब के हुजूर इस्तिग़फ़ार किया करो, इन्नहु काना गफ्फारा। उसका नतीजा क्या है? जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। एक तो फ़ायदा इसका ये होगा, वयुरसलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें भी बरसेंगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, और अल्लाह तुम्हें इस्तिग़फ़ार की बरकत से माला माल भी कर देगा। व बनीन, और तुम्हें बेटे भी अता करेगा। व यजअल्लकुम जन्नातिम व यजअल्लकुम अनहारा, तुम्हें बाग भी अता करेगा और तुम्हें चलती हुई नहरें भी अता फरमाएगा। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। आपके दरियाओं का पानी सूख गया, इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह ताला इनको पानियों से माला माल कर देगा। बारिशें होंगी, कहत सालियाँ दूर होंगी, बे औलादों को इस्तिग़फ़ार से औलाद नसीब होगी, और मईशत की बेहतरी जो है वो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से होती है। तो ये पांच चीज़ें बयान फरमाईं, तो इस्तिग़फ़ार से खुशहाल ज़िंदगी का तसव्वुर उभरता है। हज़रत इमरान के यहाँ औलाद नहीं थी, उनकी ज़ौजा हज़रत हन्ना सलामुल्लाह अलैहा पैगम्बरों का ख़ानदान है, पैगम्बरों की सोहबत है, तो वो भी सब्र शुक्र करके अल्लाह की रज़ा पे राज़ी थी। घर के सहन के अंदर दोपहर के वक्त चारपाई बिछाए एक दरख्त के नीचे कैलूला करने लगी, तो एक मंज़र देखा कि दरख्त पर एक चिड़िया ने घोंसला डाला हुआ था और उसने बच्चे दिए हुए थे। वो कहीं से उड़ के जाके दाना उठा के लाती और बच्चा चोंच खोलता और माँ उसकी चोंच में दाना डाल दी। चिड़िया के बच्चे के साथ चिड़िया की मोहब्बत को देखा तो हज़रत हन्ना का दिल चोट खा गया और बारगाहे अज़्ज़ी में अर्ज़ की, मालिक तूने जानवरों को भी बच्चे दिए हैं और वो उनसे प्यार कर रहे हैं, तेरे दरबार में क्या कमी है अगर तू मुझे औलाद अता कर दे। दिल चोट खा गया, दिल की अथाह गहराइयों से दुआ निकली, अर्श तक जा पहुंची। अल्लाह ने हज़रत हन्ना को करम नवाजियों से मौला माल कर दिया। हज़रत हन्ना ने कहा, ए अल्लाह जो मेरे बतन में है मैं तेरे घर के लिए उसको वक्फ करती हूँ। जब वलादत के लम्हे आए तो हज़रत हन्ना ज़ौजा इमरान ने बेटी को जन्म दिया, तो परेशान हो गई कि मालिक ये तो बेटी है, मैंने तो इसको मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ किया है और वहाँ सारे मर्द हैं, एक लड़की जब जवान होगी तो उसको वहाँ कैसे छोड़ सकूँगी, मन्नत मेरी कैसे पूरी होगी। बहुत परेशान हुई मन्नत की तकमील का सोच के कि मालिक ये तो बेटी है। आवाज़ आई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं हन्ना, जो तूने बेटी जन्म दी है ऐसे तो बेटे भी नहीं होते। उस बेटी का नाम क्या रखा गया? मरियम सलामुल्ला अलैहा। बेटी जवान हो गई तो मन्नत याद आई कि अब इसको बैतुल मुकद्दस में हमने वक्फ करना है। परेशानी हुई कि अब 300 हुजरे हैं जिनमें मर्द ही मर्द हैं, एक तनहा औरत कैसे वहाँ रहेगी। तो ये सोचा कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो जिसकी कफालत में इनको दिया जाए तो वो इनकी देखभाल करे, ज़ुरियात को पूरा करे। तो बहुत सारे लोग इस सआदत के लिए तैयार हो गए। फिर कुरा डाला गया, कुरा फाल निकला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम, अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर, और रिश्ते में खालू भी लगते थे। कहा ये सआदत मेरे जुम्मे रही, और चूंकि उनके यहाँ भी औलाद नहीं थी उन्हें कहा ठीक है हम इसे बेटी बना के इसका ख्याल रखेंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक हुजरा मुख्तस किया हज़रत मरियम के लिए और उनकी ज़ुरियात को पूरा करते, खाना देते, जब कहीं जाना होता तो हुजरे को बाहर से ताला लगा के चले जाते। इफ्तार के वक्त या रात को गए हैं तो सहरी के वक्त फिर आ जाते। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ताला लगा के कहीं गए काम, वापस आते हुए देर हो गई और इफ्तार के लम्हे गुजर गए, बहुत परेशान हुए। तो खैर सामान लेके तेज़ी से पहुँचे और आके दरवाज़ा खोला, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो देखा बेमौसम फल पड़े हुए हैं। हैरत तो ये थी कि फल हैं, दरवाज़ा मुकफ़ल है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता, फल कैसे आए? पहली हैरत तो ये, फिर फल भी बेमौसम है। काला या मरियम अन्ना लके हाजा, ए मरियम ये कहाँ से आए? कालत हुवा मिन इंदिल्ला, कहा ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए, ये मुझे मेरे रब ने दिए हैं।
اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے, انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے, وہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا. اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, اور عمر کتنی ہو گئی تھی, 120 سال, اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہوگی, تو اب تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی. لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا, تو اندر چھپی ہوئی امید کی موہوم سی جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی, اور حضرت زکریہ نے ہاتھ پھیلا لیے, ہنالک دعا زکریہ رب, مالک جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے, لیکن مالک کیا تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریہ وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے. معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگی جاتی. ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد اقصی پاس ہے لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے, وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت محسنین نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے. اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں, مالک تیری رحمتیں یہاں برس رہی. ہنالک دعا زکریہ ربا, وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی, اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر دے. پھر کیا ہوا کہ کہا گیا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو, میرے گھر میں آؤ. کہا گیا نبی ہو کے ولیا کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو, تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا. نہیں, سنو قرآن سنو. فنادتہ الملائکہ, فرشتے آ کے پکار کرنے لگے. کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, وہ حجرے میں کھڑے ابھی دعائیں مانگ ہی رہے تھے. فرشتوں نے آ کے ندا دی, کیا؟ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى, اے زکریہ تمہیں مبارک ہو, ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں. اولاد مانگی ہے تو یحییٰ ملے گا, لیکن اکیلی اولاد نہیں مانگی, ذریۃً طیبہ, ستھری اولاد مانگی ہے, پاک اولاد مانگی ہے. تو مصدقم بکلمات من اللہ و سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین, جو بیٹا دینے والے ہیں وہ کلمات اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا, سردار ہوگا, عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا, اور پیغمبر